कसी आहे पब्लिक, आज की डेट ऑफ जर्नी 4th जैन और नए साल की देखिए क्या धमाकेदार शुरुआत हो रही है। आप पीछे देख सकते हो, दिस इज द दार्जिलिंग टॉय ट्रेन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। सुबह के बज रहे हैं अराउंड 9 o'clock और दार्जिलिंग का करंट टेम्परेचर 7 degrees Celsius और यहाँ से आप ये नज़ारे देखिए। DHR का आपको बता दूँ, ऑपरेटेड बाय NFR। टोटल लेंथ अगर आप देखोगे दार्जिलिंग टू NJP अराउंड 85 किलोमीटर्स और इसकी शुरुआत हुई 1885 के आसपास। और आज मैं आपको इसके दिखाने जा रहा हूँ स्टीम राइड, यानी कि दार्जिलिंग से घूम तक। देखो दो ऑप्शन है, आप दार्जिलिंग टू घूम कर सकते हो या दार्जिलिंग टू NJP। सब डिटेल्स आपको इस व्लॉग में दिखाई जाएगी। अगर आपको याद हो मैं 4 साल पहले आया था, मैंने दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन की थी और आज इतने टाइम बाद आपके सामने एक और स्टीम जॉय राइड। देखिएगा मज़ा आएगा लोको, आप देखिएगा स्टीम का। इंडिया की मान लीजिए एकमात्र जगह जहाँ पर आप स्टीम लोको की राइड एंजॉय कर सकते हो। चलिए थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार व्लॉग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। अगर आप दार्जिलिंग के लिए प्लान कर रहे हो पूरा व्लॉग देखिए, कॉस्टिंग वगैरह, रूट क्या क्या है, टाइमिंग क्या क्या है, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखाया जाएगा। और देखिए दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन, पूरा स्टेशन आप मान लीजिए लगभग बनाया गया इन द ईयर 2000। यहाँ पर आप ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन देख सकते हो और देखो ये टिकट बुकिंग काउंटर है। इसका वर्किंग आवर्स आपको बता दूँ, सुबह 8 बजे खुलता है ये और 5 बजे तक वर्किंग है। अब आपके मन में सवाल होगा अबाउट द टिकट्स, मतलब कौन कौन से रूट अवेलेबल, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पॉज करके देख लीजिए। देखो सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ वो है 5 to 5:94 स्टीम वाली, ये जाएगी 9:25 को और अराइवल इसका वापस ये घूम जाएगी फिर वापस आएगी दार्जिलिंग। करीब 2 घंटे की राइड आप मान लीजिए। कॉस्टिंग आपके सामने है, ये सब आप देख सकते हो, ये रूट्स अवेलेबल है। और ये देखोगे तो ट्रेन विल स्टॉप एट बतासा लूप, बतासिया लूप पर रुकती है 15 मिनट के लिए और फिर घूम पर रुकेगी 20 मिनट के लिए जहाँ पर आप म्यूजियम देख सकते हो और फिर वहाँ से ये वापस आती है। तो इसको आप पॉज करके आप देख लीजिएगा कॉस्टिंग वाइज सब कुछ, बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा ये करंटली आपको मैं दिखा रहा हूँ। जब भी आप आ रहे हो रूट वगैरह, टाइमिंग्स वगैरह, कॉस्टिंग वगैरह चेंज हो सकती है, प्लीज़ थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखो यहाँ पर पूरा टिकट काउंटर है, इसकी ऑनलाइन टिकट नहीं है बट यस आप यहाँ पर आइए डायरेक्टली और यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। देखो जरा आपको जरा ये और दिखा दूँ, ये देखो सेम चीज़ आप यहाँ ये पॉज करके देख लीजिएगा। और जो NJP, ये देखो अगर आप देखोगे दार्जिलिंग टू, ये हो गई NJP, दार्जिलिंग से जाएगी सुबह 9 बजे और ये NJP पहुँचेगी शाम को 5:30 बजे। इतनी लंबी जर्नी है, पूरा आप ये देख लीजिएगा। और यहाँ पर ऊपर इन्होंने कॉस्टिंग वगैरह भी आप सब आप देख लीजिए। ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिटायरिंग रूम भी है, अगर बाई चांस रिटायरिंग रूम का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ठीक है, इनकेस अगर आपको रिटायरिंग रूम दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पर चाहिए अगर आप शॉर्ट ट्रिप के लिए आ रहे हो तो। पूरा ये पॉज कर देख लीजिएगा, ये पूरा मैंने आपको दिखाई दिया। ये देखो यहाँ पर लोग आते हुए, अब लेट्स सी कितने लोग बोर्ड करेंगे स्टीम के लिए, बिकॉज अभी फिलहाल उतना टूरिस्ट यहाँ है नहीं। सब आप देखिएगा अभी धीरे धीरे ये सब काउंटर ओपन होंगे। ये देखो यहाँ से सब पैसेंजर अब डिपार्ट करते हुए देख लीजिएगा, रिजर्वेशन सेंटर हो गया, सुबह खुलेगा 8 बजे और ये चलेगा 5 बजे तक, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो ये पीछे ट्रेन देख रहे हो डीजल वाली, अब ये जा रही है NJP, सुबह 9 बजे चलेगी, शाम को पहुँचेगी 5:30 बजे। अब आपको बता दूँ अगर आप यहाँ से शेयर टैक्सी लेके जाओगे तो आप 150, 200, 250 रुपये में पहुँच सकते हो और वो भी 2 घंटे में NJP। अब चॉइस आपकी है ठीक है, अब जिसमें हम नज़ारे लेते हुए जाना है कैसे जाना है वो चॉइस आपकी है। अब जो हमने टिकट का पे किया है दैट इज़ 1500 पर पर्सन, आप देख लीजिए टिकट हमने ये ले ली है तो हमने टोटल कितना पे किया फर्स्ट क्लास का 3000 रुपीज़। अब दार्जिलिंग के आप टूर्स एंड पैकेजेस, आई एम श्योर आपके मन में सवाल होगा होटल वगैरह सब कुछ, तो आपको बता दें हम ट्रैवल कर रहे हैं विद द ट्रैवल एजेंसी eTripto.in। तो मैंने उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप दार्जिलिंग पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हो, घूमना चाहते हो विद द बेस्ट डील्स एंड डिस्काउंट्स, होटल्स मिलेंगे, कैब मिलेगी, गाइड मिलेगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो उनको कॉन्टैक्ट कीजिए। डिटेल्स में जैसे मैंने आपको बताया आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये जर्नी भी NJP टू दार्जिलिंग मैंने की थी। अगर आपने इसका व्लॉग नहीं देखा है चैनल पर लाइव है आप देखिए, बट 4 साल पहले मैं आया था सोलो और इस बार मैं आया हूँ अपनी वाइफ के संग। क्या बात है, दार्जिलिंग जिसे कहा जाता है द क्वीन ऑफ हिल्स, क्या बात है। देखो धीरे धीरे ये भी सीख रही है, क्वीन के साथ आया है ना। क्या बात है, क्या बात है। बस अभी यहाँ पर हमारा स्टीम लोको आएगा, आपको अराइवल वगैरह भी दिखाएंगे और जर्नी देखिएगा, छोटी सी जर्नी यहाँ से घूम तक, बट मजा आएगा, आपको हम घुमाएंगे आज। दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आप देख लीजिए हमारी यहाँ पर स्टीम लोको को अभी लगाया जाएगा। आई गेस वहाँ पर अभी तैयारी चल रही है, मेंटेनेंस वगैरह थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आप इस वाली ट्रेन में ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आपको जल्दी से एक छोटा सा इंटीरियर टूर और मैं दे दूँ। ये देख लीजिएगा ये कोच है, करंटली
इस वाली ट्रेन में दो ही कोच लगाए गए हैं, F1 F2, 2x2 का आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा। ध्यान रखिए यहाँ पर कोई चार्जिंग पॉइंट, आपको कोई भी वॉशरूम ऑन बोर्ड नहीं है। विस्टाडोम लगाए गए थे बट आई कैन नॉट सी विस्टाडोम कोच राइट नाउ, ये आप देख लीजिएगा। सो देखो मुश्किल से आधे एक घंटे की ट्रिप है तो वॉशरूम की ऐसी कुछ खास रिक्वायरमेंट ही नहीं। अगर आप देखोगे ये पूरा आप देख लीजिए, दोनों में मिला के मेरे हिसाब से कुछ 60 सीट्स हैं। ये देखो ये 30 हो गया और जो हो गया दूसरा कोच, यहाँ पर मैं आपको जरा के दिखा दूँ, ये देखो ये हो गया दूसरा कोच। टोटल में आपको मिलेंगी 60 सीट्स और आपको बताया इसकी ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है। तो जब भी आप आ रहे हो सुबह, जैसे सपोज 9:30 ट्रेन है तो आप एक घंटे पहले ही आ जाइए और 8:30 मेरे हिसाब से आपको टिकट मिल जानी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द टूरिस्ट, बिकॉज टूरिस्ट फिलहाल यहाँ उतना है नहीं। तो अगर आप देखोगे अभी कुछ सीट्स एम्प्टी हैं। जो कोच मुझे दिया गया है वो है F2 उस साइड, तो वहाँ से जितनी जर्नी हो सके आपको दिखाई जाएगी। बट आप वहाँ पर थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो आप यहाँ पर पूरा DHR का ये लोको शेड देख सकते हो। सोचिए मेंटेन करना कितनी बड़ी बात है। और अगर आप सोचोगे कि टिकट इतनी महंगी क्यों है, 1500 रुपये पर पर्सन, ये इसलिए महंगी है बिकॉज आपको राइड मिलती है स्टीम लोको में। देखो इतने पुराने पुराने लोको आपको यहाँ मिलेंगे। सोचिए कभी शुरुआत हुई 1885 में इस नेटवर्क की शुरुआत कर दी गई थी। सोचिए ठंड इतनी ज़बरदस्त है, सच में फिंगर्स तक बंद हो गई है, अराउंड 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे ऑल्सो अनाउंस किया गया है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो यहाँ आपको दिखाऊँ, यहाँ ऑलरेडी टूरिस्ट पैसेंजर्स आते हुए फोटोग्राफी वगैरह सेल्फी वगैरह चलती हुई। और सच में अगर आपने दार्जिलिंग टॉय ट्रेन अब तक नहीं की है तो ये, हाँ ये सौम्या का फर्स्ट टाइम है, बिल्कुल मिस मत कीजिए। और स्टीम लोको राइड तो ज़रूर कीजिएगा, मतलब जब ये ट्रेन चलेगी ना, मैं आपको दिखाऊंगा जब ट्रेन चलेगी क्या आवाज़ होती है, जो विसिल जो हॉर्न है वो आप देखिएगा। अरे दार्जिलिंग का ये कमाल है यार। नीचे सोचो वेदर क्या था, इससे पहले हम थे पेलिंग, फिर थे गैंगटॉक, फिर आए गैंगटॉक से दार्जिलिंग। सब ब्लॉग्स सबसे ज़्यादा इधर, सब ब्लॉग्स चैनल पर लाइव, आप देखते जाइए और भी ट्रैवल वीडियोज़ आपके सामने बैक टू बैक आते रहेंगे। बस 15-20 मिनट और फिर यहाँ से सफ़र की शुरुआत करते हैं। देखिए लोगों में एक्साइटमेंट देखिए, और कुछ फॉरेनर्स भी हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पर हो, स्टेशन पर हो, प्लीज़ साफ़ सफाई बनाए रखिए। और अभी तो आप देखिएगा इस महीने आपके सामने जनवरी में बैक टू बैक ट्रैवल व्लॉग्स, अयोध्या के व्लॉग्स आएंगे भाई साहब, राम मंदिर का इनॉग्रेशन होना है। वी ऑल आर वेटिंग। थोड़ा सा काम यहाँ डिले चल रहा है बट खैर कोई बात नहीं। अगर आप देखोगे स्टीम लोको आपके सामने अराइव होता हुआ 806B, आप देखिए मतलब हिस्ट्री तो खैर जितनी बात करें उतनी कम। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर हमारा सब कोचेज रेडी है, आपके सामने स्टीम लोको आता हुआ। दिस इज़ भाई साहब इसकी मेंटेनेंस, आप सोचिए मेंटेनेंस कितना कर रहा काम है। और मैं कहूँगा दार्जिलिंग आ रहे हो ना, डीजल वाली मत करना, ये कीजिएगा। ये देखो यहाँ पर इसकी अब कपलिंग होती हुई आप देख लीजिएगा स्टीम लोको की। यस वी आर गुड टू गो। जो लोग मेंटेन कर रहे हैं इस चीज़ को उनके बारे में सोचिए। देखो यहाँ पर आपको दिखा दूँ, ये मज़ा है, देखो ये मज़ा है स्टीम राइड का पूरा आप देखिए। मतलब सोचिए लगभग मैं कहूँगा 130-140 ईयर्स पुराना रेलवे सिस्टम आप देखिए। चलिए अब डिपार्ट होने के लिए तैयार, हमारा पीछे कोच आपको अराइवल दिखा दिया। चलिए एक और सफ़रनामा की, एक और ट्रेन जर्नी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा उनके संग जो दार्जिलिंग आने वाले हैं, देखिए मज़ा आएगा। चलिए बैठिए, डिपार्ट होने के लिए तैयार। यस गुड टू गो। ये देखो यहाँ पर सब कुछ रेडी हो चुका है। इस वाली ट्रेन में दो ही कोच लगाए गए, हमारे संग कुछ फॉरिनर्स भी मौजूद हैं, अतिथि देवो भव, इस तरफ देख लीजिएगा मज़ा आएगा आपको, एक और जर्नी दिखाएंगे। चलिए अंदर कोच में चलेंगे, पीछे की साइड चलना पड़ेगा। यस नमस्ते, पूरा कोच फुल है, चलिएगा पीछे की तरफ। यस यहाँ पर आप देख लीजिएगा हमारी स्टीम लोको राइड चलती हुई, और देखिए ये नज़ारे आपको पैन इंडिया कहीं नज़र नहीं आएंगे। देखो साइड में व्हीकल्स चलते हुए और यहाँ पर स्टीम आप देख रहे हो, आवाज़ देखिए, हॉर्न किंग देखिए, ज़बरदस्त, मतलब क्या सीन है यार। सच में ज़रूर कीजिए स्टीम जॉय राइड ज़रूर कीजिए। और देखो ऊपर आप देख रहे हो स्टीम वगैरह पूरा, आप देखिए अलग ही मज़ा है इसका यार।
दार्जिलिंग आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो। समय जी जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसी चल रही है आपकी टॉय ट्रेन जर्नी? मजा आ रहा है ना। और ये सोचिए पूरा आप देख रहे हो मैनुअल सिस्टम, पेपर्स वगैरह आप देखिए, फ्लैग वगैरह आप देखिए, मतलब कहाँ हम ऑटोमेटिक सिग्नल्स पे अब रेलवे चल रही है। बट आज भी आप देखोगे तो यहाँ दादा हमारे संग मौजूद हैं, उनके हाथ में फ्लैग्स हैं। पूरा मैनुअल सिस्टम आज भी दार्जिलिंग में फॉलो किया जा रहा है। और विंडो से आप देखिए, विंडो से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप देख रहे हो अलग है, कैसा लगता है मतलब टॉय ट्रेन की जर्नी का ना मजा ही अलग है। और सबसे अच्छी बात है इतना पुराना सिस्टम, इतना पुराना रेलवे नेटवर्क आज भी उसी तरह मेंटेन किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा। स्टीम जॉय राइड चल रही है एकदम फर्स्ट क्लास। अगर आप पीछे देखोगे तो आप लोगों को देख सकते हो। और देखो अब ये ट्रेन रुकती है एक बतासिया लूप पर, आपको मैं जरा यहाँ दिखा दूँ। पूरा देखो ग्रीनरी वगैरह सब कुछ, आप फोटोग्राफी वगैरह कुछ हल्का सा रिफ्रेशमेंट वगैरह, 15 मिनट का स्टॉप दिया गया। शॉपिंग भी कर सकते हैं वही फोटोग्राफ वगैरह कीजिए। अब ये ट्रेन पूरा यहाँ से एक ये राउंड लेती है, अगर आप ड्रोन व्यू लोगे ऊपर से एरियल व्यू तो आपको पूरा समझ आएगा कि ये बतासिया लूप है क्या। यहाँ पर मैं पहले भी आया हूँ भाई, यहाँ की देखो यहाँ की ब्यूटी है अलग है। ये देखो कैसा रहा सो मैं एक्सपीरियंस कैसा रहा? मजा आ गया। टॉय ट्रेन का एक्सपीरियंस अब तक मजा आया ना, मतलब पैसा वसूल है ना। देखो 1500 रुपये आप दे रहे हो, बट 1500 मुझे पहले लगा था ज्यादा है। हाँ फिर बाद में पता चला कि घूम पे जो म्यूजियम है यस उसका भी एंट्री टिकट इंक्लूडेड है। घूम पर म्यूजियम और टिकट वगैरह सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। तो आप देखिए जितने पैसेंजर है जितने टूरिस्ट है सब वो यहाँ उतरे हैं। अब आप देखो स्टीम लोगों की फिलहाल यहाँ हल्की सी मेंटेनेंस होती हुई, बस ये फोटोग्राफी कर रहा है। देखो वहाँ चलता हुआ फोटोग्राफी, तो आप यहाँ जितनी करोगे ना उतनी कम। मज़ा आ रहा है, यही है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन आपके सामने एक बार फिर से है ना। वीडियो को जैसा आपसे कह रहा हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिए उनके संग जो दार्जिलिंग घूमने आए। आप देखोगे हम पहुंच चुके हैं, आप देख लीजिए यहाँ पर घूम स्टेशन, इंडिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड का ये हो गया रेलवे स्टेशन। टाइम कितना लगता है दार्जिलिंग टू घूम? 1 घंटा लगभग, आप 1 घंटा मान लीजिए। अब यही ट्रेन 20 मिनट बाद जाएगी वापस, तो आप हमारी टिकट में अप एंड डाउन दोनों जर्नी इंक्लूडेड है। हाँ। यहाँ पर एक म्यूजियम है, आप वो म्यूजियम भी देख सकते हो। बट हम रिटर्न नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं कहीं और दार्जिलिंग के जो साइट सीइंग है वो देखने, वो आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। एक्सपीरियंस कैसा रहा? आउट ऑफ 10 कितना? मज़ा आ गया यार सच में। टॉय ट्रेन की जर्नी, बाकी जितनी टॉय ट्रेन है सब मैंने कवर किए हैं, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। देखिए देखो यहाँ पर ये घूम म्यूजियम है जहाँ पर आप दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, सो दिस इज डोलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 जर्नीज। अब यहाँ से चले दार्जिलिंग देखने। देखो वापस आपके सामने आया स्टीम लोको, मतलब आप देख रहे हो, समझिए थोड़ा साइड होंगे, यस आप देख रहे हो बिल्कुल, ये देखो मूवमेंट आप देखो है ना, दिल खुश हो जाता है। और अगर आपको ट्रेन जर्नीज पसंद है ना फिर तो आप पूछिए ही मत। ठाठा अगर आप ट्रेन जर्नीज एंजॉय हाँ। करते हैं, अगर आप सीनिक रूट की ट्रेन जर्नीज एंजॉय, राइट राइट, ये देखो देखो जितना आप देखोगे उतना कम। चलिए ठाठा टेक केयर। आपका